मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार मानव अधिकार दिवस के अवसर पर सब जेल कसरावत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरा लीगल वॉलंटियर अकील खान द्वारा बताया गया कि मानव अधिकार का तात्पर्य व्यक्ति के उन अधिकारों से है जो अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। व्यक्ति के इन मूल अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। साथ ही बंदियों को जानकारी देते हुए बताए कि बंदी होने के दौरान भी उनके मानव अधिकार सामान्य नागरिकों के समान सुरक्षित हैं। केवल स्वतंत्र भ्रमण को छोड़कर बंदियों को चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है। साथ ही बंदियों से उनकी समस्या जानी एवं उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं से अवगत कराया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। अर्थात आप अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, है ना। आपको अपनी मर्जी से खाना खाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है। बाहर जितने भी हमको अधिकार दिए जाते हैं, कोई किसी से नस्ल के आधार पर कि कौन कैसा काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, कोई किस जाति का, इस रूप में किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये मानव अधिकार कहा जाता है, ये इंसानों का एक अधिकार है। इसी को लेकर आज विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी आज के बीच आपके लिए कार्यक्रम करा। इसके लिए हमने विशेष रूप से एक दिन नियुक्त करा। पूरी दुनिया में आज जो 10 दिसंबर है वो मानव अधिकार के रूप में मनाया जाता है, और हम भी आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि आपको भी बताएं कि आप मानव होने के नाते आपके जो अधिकार दिए हैं उसमें भी आपका केवल स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे सीमित किया गया है। आपको जब तक कि आपने जो भी अपराध किया, अधिकार को सीमित कर दिए गए, लेकिन इन सब में आपको अभी भी एक अधिकार प्राप्त है, कानूनी सहायता का अधिकार। ये जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिले हर जिले में रहता है, हर तहसील में रहता है, हमारी विधिक सेवा समिति है, तहसील विधिक सेवा समिति। तो इसके माध्यम से आपके लिए, सभी बंदी भाइयों के लिए एक सुविधा प्रारंभ की गई है कि जो बंदी भाई अपने स्वयं के खर्चे से वकील अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते हैं, वो उनके लिए ये हमारी तहसील विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरकारी निःशुल्क वकील नियुक्त करते हैं, जो आपके मामले की पैरवी कर माननीय न्यायालय में करता है। इस समिति के अध्यक्ष अपने तहसील स्तर पर भी माननीय जज साहब रहते हैं, जिला स्तर पर भी माननीय जज साहब सचिव और अध्यक्ष रहते हैं। वो डेली इनकी मॉनिटरिंग करते हैं और इनके कामों की समीक्षा करते हैं। इनमें आपको ये देखिए, आज के एक आपके यहाँ से लेटर आया था, भाव सिंह कौन है, खड़े हो जाए जरा, भाव सिंह फतिया है कोई? हाँ वो हाँ भाई, ये हमारे बीच हमारे बंदी भाई भाई हबाव सिंह, इन्होंने तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए आवेदन किया था, तो इनका आज अधिवक्ता नियुक्त हो गए हैं। संतोष कुमार इनके अधिवक्ता हैं, जो इनके मामले की पैरवी करेंगे, और ये शासन की तरफ से इनको, माननीय न्यायालय की तरफ से इनको निःशुल्क अधिवक्ता दिए गए हैं। तो आप लोग जितने भी हैं, आपसे आपके जो वो हैं, आपके मामले की सुनवाई के लिए आपके आप अपने अपने खर्चे पे आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी इनकी तरह हमारे माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उस आवेदन को हम माननीय तहसील विधिक सभा समिति के समक्ष पहुंचाएंगे, वो आपके आपके लिए अधिवक्ता नियुक्त करेंगे, है ना। और भी जैसे आपकी वकील मुलाकात नहीं हो रही है, पेशी नहीं हो रही है, आपके मामले में क्या चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।